नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं शिष्ट गीत को, यानी कि एक ऐसा गीत जिसके रचनाकार हैं, यानी कि जिनकी जिस रचना पे जिस जो गीतकार है उनका कॉपीराइट है। और इस रचना का शीर्षक है दोस्तों, बोने पाकले सैया कोयर। कोयर का मतलब होता बेर। आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में, ये जो आपको दिख रहा है ये बेर है, समझ रहे हैं। और कहाँ पका है बेर, तो जगह भी बतलाया गया है इस शीर्षक में कि जंगल में। बोने मतलब जंगल में, जंगल में बेर जो है पक गया है। बोने पाकल है सैया कोयर। अब ये सैया कह करके कौन कह रहा है या कह रही है, हम लोग देखेंगे इस गीत में। लेकिन उसके पहले आपको कुछ मैं बतलाऊं कि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है ना, बड़ा मधुर संबंध है, बड़ा मधुर संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के पहले जो व्यक्ति होता है वो आधा होता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। और पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि उसके सारे खर्चे वर्चे, ये जिम्मेदारी नहीं, उसका हर एक बात के लिए, यानी कि उसकी वो अपने जीवन में कैसे सदमार्ग पे चले, यानी कि वो अपने जीवन को कैसे सही तरीके से एक्सपीरियंस करे, इसमें पति भूमिका निभाए। इस जीवन को कैसे सरलता के साथ जिया जा सके, जीवन की परेशानियों को कैसे बराबर मिलजुल करके बांटा जा सके, इसमें पति मदद करे पत्नी की, और पत्नी को भी पति की मदद करनी चाहिए। तो हमेशा से पत्नी और पति का जो संबंध रहा है वो मधुर रहा है। और भले बाद में कुछ ऐसा होने लग गया कि हमारा समाज थोड़ा सा पुरुष प्रधान बन गया, तो पुरुष लोग जो है वो पत्नियों को अपने अंदर में कर लिए। हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर ही होना चाहिए। इस गीत में पति और पत्नी के बीच उसी मधुर संबंध को दिखाने का प्रयास किया गया। पत्नी बड़े प्रेम से अपने पति से आग्रह कर रही है, अनुरोध करती है। किस बात के लिए अनुरोध करती है, कहती है कि जंगल में जो बेर है वो पक गए हैं, कोयर है जो वो पक गए हैं, तो मेरे साथ चलिए, हमको वहां जंगल के पके बेरों को खाना है। मगर पति भी अपने पत्नी के प्रति प्रेम को दिखाते हुए कहता है कि देखो, जंगल का जो मार्ग है वो सरल नहीं है, जंगल के मार्ग में कठिनाइयां हैं, तुम उस मार्ग पे नहीं चल सकोगी, पाँव में हो सकता है कांटा चुभ जाए, कंकड़ चुभ जाए, या हो सकता है तुम उतना दूर जा ना पाओ, थक जाओ, दिक्कत होगा ना, इसीलिए वहां का जो मार्ग है, बोन का जो मार्ग है वो सरल नहीं है, कठिन है। पति समस्या दिखाता है तो पत्नी उसका सॉल्यूशन बताती है, तर्क देते हुए कहती है कि नहीं, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो हम लोग तो हंसते खेलते ही इस रास्ते को पार कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद हम लोग दोनों जब रहेंगे तो मन भर के बातें करेंगे, जी खोल के बातें करेंगे, तो मार्ग कब समाप्त हो जाएगा, इस दूरी को, इस कठिनाई कठिन मार्ग को हम लोग कब खत्म कर लेंगे, हमें तो एहसास भी नहीं होगा, आपका साथ है तो फिर क्या सोचना। पति बोलता है ठीक है, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। फिर से पति कहता है, अच्छा देखो सुनो, जंगल का जो मार्ग है उस, ठीक है हम लोग जंगल गए, जंगल जाने के बाद में क्या हो सकता है कि जब हम लोग बेर चुनने लगे, बेर तोड़ने लगे, तोड़ते तोड़ते कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांटा हाथों में चुभ जाए, और चुभ जाएगा तो क्या करोगी बोलो। तो पत्नी फिर से जवाब देती है, कहती है ये सारे गीत के बोल है, आपको मैं अभी गीत गा करके भी सुनाऊंगा, समझाऊंगा भी। तो पत्नी कहती है कि अगर बेर तोड़ते कांटा चुभ जाएगा ना, तो वो कांटा को बड़े प्रेम से मैं अपने दांतों से ही खींच करके निकालूंगा। अब कोई सुई हुई या कोई डॉक्टर के पास नहीं लेकर चले जाना आपको, मैं उस कांटे को अपने दांतों से खींच करके निकालूंगी, और जो घाव बनेगा ना, उस घाव पे जंगल में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां, तो जो जड़ी कुछ जड़ी बूटियों को ला करके पीसूंगी, और पीस करके आपके हाथों पे उसे मल दूंगी, उस घाव पे मल दूंगी, घाव भी ठीक हो जाएगा। तो पति फिर से पत्नी की आग्रह को मानने के लिए राजी हो जाता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर से पति सोचता है, कहते देखो धनी, यानी कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, देखो जंगल का जो जंगल है वहां बहुत सारे हिंसक पशु रहते हैं, बाघ हुंडार रहते हैं, बाघ हुंडार हिंसक पशु है, वो तो भाई शिकारी है, शिकार करके खा सकते हैं, तो अब जंगल जाओगी, घने जंगल में इन हिंसक पशुओं का सामना हो जाएगा तो क्या करोगी। पत्नी कहती है कि देखिए घबराने की बात नहीं, अगर कोई हिंसक पशु घात करता है, हमला करता है, तो उसको तो तीर से ही हम बिंध देंगे, तीर से ही उसको क्या करेंगे, छेद कर देंगे, यानी तीर से उसका शिकार कर देंगे। लेकिन अगर अगर ऐसा हमला हुआ भी ना, तो ये तो तीर तो है, साथ ही साथ क्या करेंगे ना, परास का जो लकड़ी है ना उसको तोड़ेंगे, कचरा बनाएंगे, मतलब मारने के लिए एकदम परास का लकड़ी को तोड़ेंगे और खूब मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि वो जो जानवर होगा ना हिंसक पशु, वो डर से भाग जाएगा। पति बोलता है अच्छा 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 ठीक है, ऐसी बात है, मतलब उसके भाव ऐसे होते हैं, वो हाँ हो जाता है।
फिर पत्नी उसको कहती, फिर पत्नी को एक समस्या की नाता है, कहता कि देखो जंगल में बेर खाएंगे हम तो प्यास भी तो लगेगा, अब प्यास लगेगा तो फिर उस प्यास का क्या उपाय है बताओ। पत्नी कहती है कि जंगल में टेंशन, अरे वहां तो झरने हैं, तो झरने का ठंडा ठंडा पानी हम सखुए के पत्ते का दोना बनाएंगे, और दोना टिप करके यानी बना करके क्या करेंगे, झरना का ठंडा पानी हेमाल पानी ला करके आपको देंगे प्यास मिटाने के लिए। और सुनिए जंगल में बहुत रंग बिरंगे फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, उन फूलों को ना तोड़ तोड़ करके क्या करेंगे, माला बनाएंगे, एक सुंदर सा माला आपके लिए बनाएंगे, और अपने भी जूड़ा में उन फूलों को हम सजाएंगे ताकि सुंदर दिखे। किस लिए सजाएंगे, ताकि सुंदर दिखे, यानी कि श्रृंगार करना चाहती है पत्नी फूलों का, क्यों, ताकि पति को वो रिझा सके, और पति जो है उसकी बातों को सुन करके तैयार हो जाता है, पति जो है वो पूरी तरह से सहमत हो जाता है, और सहमत होकर के अपनी पत्नी को हाँ बोलता है और कहता है कि चलो जंगल हम लोग बेर तोड़ेंगे, पके पके बेरों को तोड़ेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली में इस गीत में जो समस्या पति गिना रहा है, वास्तव में उसका उद्देश्य समस्या गिनाना नहीं है, गीतकार का उद्देश्य है एक पत्नी और पति के बीच का जो प्रेमवत संबंध है उस संबंध को दर्शाना अपने गीत के माध्यम से, अपने गीत के बोल के माध्यम से, है ना। और अंत में देखिए पति पत्नी दोनों हाँ भी करते हैं और फिर दोनों जंगल भी चले गए होंगे। तो आइए हम लोग गीत का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, शीर्षक है दोस्तों बोने पाकले सैया कोए, और इस शिष्ट गीत के जो लेखक जो गीतकार है उस गीतकार का नाम है तो दिनेश कुमार दीनमणि। ये 12 डी बोकारो के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, 12 डी बोकारो के रहने वाले हैं दिनेश दीनमणि। इनका उपनाम है दीनमणि, और दोस्तों इनका पूरा नाम है दिनेश कुमार महतो। क्या नाम है, दिनेश कुमार महतो, दिनेश कुमार महतो। अब देखो इसके आगे जरा सा समझो, इसके आगे हम लोग गीत को ही देखते हैं। तो यहां पे जहां पत्नी लिखा हुआ है ना वहां पे समझना कि पत्नी के बोल है, और जहां पे पति लिखा हुआ रहेगा वहां पे समझना पति के बोल है। तो इसको गीत है तो गीत को गीत की तरह हम लोग देखते हैं। शीर्षक फिर से बोने पाकल है सैया कोई, बोन बोन मतलब जंगल, तो जंगल में क्या पक गया, बेर पक गया। पत्नी कहती है कि सैया चल चल ना हो बोने पाकल है सैया कोई, सैया चल चल ना हो बोने पाकल है सैया कोई, बाछी बाछी पाकल पाकल बाछी बाछी पाकल पाकल तोर बैखोई छा भोर सैया चल चल ना हो बोने पाकल है सैया कोई, सैया चल चल ना हो बोने पाकल है सैया कोई। अब ये पत्नी कह रही है, पत्नी कह रही है तो पति क्या कहता है, पति कहता है देखो, पति कहता है बड़ी कठिन धनी बना के डहरा, जैसे बोल है ना आपके भाव भी या आपके सुर भी उसी हिसाब के होने चाहिए, तो यहाँ पे कठिनता यानी कठिनाई बतला रहा है, तो आपके सुर में ये चीज लगना चाहिए कि आप समस्या दिखा रहे हैं। कहता है पति कि बड़ी कठिन धनी बना के डहरा, पत्नी कहती है हंसते खेलते संगी बीत तई डहरा, हंसते खेलते संगी बीत तई डहरा, अरे गाला मारा बैसैया गाला मारा बैसैया हामिन, गाला मारा बैसैया हामिन हिया भोर सैया चल चल ना हो बोने पाकल है सैया को। अब यहां पे देखो शब्द आए, क्या बोलता है पति, पति कहता है कि रास्ता तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल भरा है, तो कैसे हम लोग जाएंगे। पत्नी कहती है कि हंसते खेलते हम लोग रास्ता पार कर जाएंगे, बीत जाएगा रास्ता, डर मतलब रास्ता। और आगे यहाँ पे देखो गाला मारा भाई सैया, तो गाला मारा भाई इसको समझना, गाला मारा भाई मतलब गाल मारे, गाल मारे। अब गाल मारे मतलब क्या होता है, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है, गप्पे लड़ाना, है ना, गप्पे लड़ाना मतलब खूब बातें करना, खूब बातें करना जो भी समझो, गप्पे लड़ाना या खूब बातें करना, किसका अर्थ है, खूब बातें करना, ये गाला मारे का अर्थ है, ठीक है, गाल मारे। और ये है क्या, तो ये मुहावरा है, तो यहां से सवाल बन जाते हैं, ऐसे सवाल बन जाएंगे, पता चला गीत सुनते रह गए और यहां समझ में ही नहीं आया। हामिन हिया भोय, हामिन हिया भोय, हिया भय मतलब मन भर करके, हिया भोय, हिया भोय मतलब, हिया मतलब क्या होता है, हृदय, भोय मतलब भर करके, तो हिया भर मतलब यहाँ पे होगा मन भर करके, यानी कि खूब बातें करेंगे, मन भर के बातें करेंगे, मन भर जैसा, चलिए तो
बोन तो चलिए मेरे साथ, हम लोग खूब बातें करेंगे, रास्ता भी बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आगे फिर से क्या होता है, देखो फिर से गीत के बोले वहां से देख करके समझना। पति फिर समस्या गिना रख के कहता है, कोई रातों रहते जदी काटा गड़ल हाथे, कोई रातों रहते जदी काटा गड़ल हाथे, यानी कि बेर तोड़ते तोड़ते अगर हाथों में कांटा चुभ जाए तो पत्नी कहती है कि काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, अरे घावे लगई बो सैया, घावे लगई बो सैया, पीसी बोने के जर सैया, चला चला ना हो बोने पाकल है सैया कोई। पत्नी को पत्नी का जवाब है ये, जब पति ने समस्या गिनाया कि बेर का कांटा चुभ जाएगा तो क्या करोगी, तो बोलती है वही बात कि कांटा काढ़ाबो, मतलब कांटा निकालेंगे, काढ़े का मतलब क्या होता है, काढ़े का मतलब निकालना, सैया हमें धरी दाते यानी दांतों से धर करके, दांतों से पकड़ करके निकालेंगे, और जो घाव बनेगा ना, घावे लगे वो सैया, यानी कि घाव पे क्या लगाएंगे सैया, पीसी बोने जड़, यानी बोन का जो जड़ी बूटी है ना उसको पीस करके लगा देंगे, आप मेरे साथ बोन को चलो। अब यहाँ पे पति को अपना तर्क दे दी पत्नी, ऐसे भी पति भला पत्नी की बातों में, पत्नी की बातों से जीतने वाले हैं, अरे पत्नी लोगों के पास बहुत तर्क होता है, ये बात भी सच है। तो यहाँ पे फिर पति समस्या गिनाता है, बाघा हुंडारा ध्वनि बोन गा जा रे, समस्या गिना रहा है कि बाघ हुंडार जो है यानी कि हिंसक पशु, बाघ और हुंडार जैसे हिंसक पशु जंगल में निवास करते हैं, तो बोलता है कि बोना गा जा रे मतलब घने जंगल में बाघ हुंडार जैसे हिंसक पशु है, तो बाघा हुंडारा धनी बोना गजारे, ये सवालिया निशान, मतलब सवाल कर रहा है वो कि इनका क्या करोगी, ये तो बहुत है वहां हिंसक पशु है, वहां क्या करोगी बोलो कैसे जाए। तो पत्नी कहती है घात कर ले सैया बिंध बई कांडे, घात कर ले मतलब हमला कर किया ना तो बिंध देंगे कांड से, मतलब तीर चला करके मार देंगे, तीर चला के मार देंगे, और पीट बई कुरथी पीटा पारस ठेंगा तोरी सैया, चला चला ना हो बोने पाकल है सैया कोई। थोड़ा गला मेरा ये बैठा हुआ भी है और बहुत सुरीले भी नहीं है, पर गीत को गीत की तरह आपको परोसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शब्द आया समझो, बाघ हुंडारा बहुत है घने जंगल में, बोन गजारे, गजारे मतलब घने जंगल है ना, बोना गजारे में घने जंगल में, घात कर रहे ले मतलब हमला कर देगा तो क्या करेंगे, बिंद देंगे मतलब छेद कर देंगे, तीर से छेद देंगे उसको, पीट पे कुर्थी पीटा। अब यहाँ पे देखो कुर्थी पीटा पीटे एक मुहावरा आ गया, यहां भी मुहावरा आ गया कुर्थी पीटा पीटे, ये देखो ये सब खोरठा के मुहावरा, कुर्थी पीटा पीटे ये भी आपका मुहावरा ही है। कुर्थी पीटा पीटे मतलब क्या है, बहुत मार मारना, खूब पीटना, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, खूब पीटना मुहावरा है दोस्तों, मुहावरा है खूब पीटना, जिसका अर्थ है पारास ठेंगा तो पारास का लकड़ी तोड़ेंगे और खूब मार मारेंगे, तो आप इसके लिए चिंता मत करो, हिंसक पशुओं का हम समझ लिए हैं, टेंशन नहीं है आपको, और आप मेरे साथ बस बोन को चलो। अब यहां पति को समझाने के बाद पति फिर से समस्या गिना रहा है, क्या कह रहा है, पति कहता है कोई रा खाई ले धनी लग तो प्यास, कि अगर बेर खाओगी तो प्यास लगेगा, कोई रा खाई ले जदी कोई रा खाई ले धनी लग तो प्यास, यानी कि प्यास लग जाएगा और वहां दिक्कत होगा जंगल में। तो पत्नी जवाब देती झरना के हेमाल पानी मिटे वो प्यास, मतलब झरना के ठंडे, हेमाल मतलब ठंडा पानी, और हेमाल का अपोजिट क्या होता है, आप लोगों को तो भी पितार्थक भी पढ़ने के लिए दे दिया, तो हेमाल का भी अपोजिट क्या होता है, हेमाल का अपोजिट होता है दोस्तों तातल, याद रखिएगा, यहां से पूछ सकता है विपरीतार्थक सब, हेमाल का विपरीतार्थक बताओ तो तातल। तो झरना के हेमाल पानी मिटे वो प्यास, अरे दोना टिपी पानी देबो सराय पत्ता तोरी सैया, चलो चलना हो बोने पाकल सैया को। दोना टिपी पानी देबो मतलब दोना का निर्माण करेंगे, और दोने का निर्माण किस पत्ते से करेंगे, सरे पत्ते से करेंगे, सरे मतलब सखुआ के पत्ते को तोड़ेंगे, और सखुआ के पत्ते से क्या बनाएंगे, दोना बनाएंगे, और उस दोना में पानी भर के झरने का ठंडा पानी लाएंगे और आपको पिलाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, बस मेरे साथ जंगल को तो चलो। तो फिर देखिए अगले अगले बोल में क्या है, पति कहता है कि पत्नी कहती है इस बार कि बोना मांझारे सैया नाना लेखे फूला, तोहर लगी गाथा बुपिया अति सुंदर माला। पत्नी कह रही है कि देखो बोन मांझारे यानी कि जंगल में, बीच जंगल में खूब फूल है, नाना लेखे मतलब भांति भांति के फूल है,
और आपके लिए हम क्या करेंगे ना, फूलों की माला गुथेंगे और खूब सुंदर माला बनाएंगे। हम हूँ गोंज अब फूला यापन खोपा भोर सैया चल चला ना हो बोने पाकल सैया को। आपके लिए तो फूलों की माला बनाएंगे, अपने लिए भी फूलों को हम क्या करेंगे गोंजब, हम गोंजा मतलब हम भी गोंजेंगे अपने खोपा में उसको, अपन खोपा भर अपने जूड़े में क्या करेंगे उसको गोंजक मतलब क्या होता है उसको पेस देना यानी उसको समा देना यानी कि अपना जूड़े में उस फूलों को लगाएंगे। और फिर आगे वही बोले हैं बाची बाची पाकल पाकल तोरा बखोइछा भर सैया चला चला ना हो बोने। तो पति कहता धानी चले चले चलने गे बोने तोरा बैसैया को। तो पति तैयार हो जाता अंत में और पत्नी को कहता है कि चलो चलते हैं जंगल और एकदम खोइछा भोर करके आंचल को भर करके क्या करेंगे। खोइछा भोर का भी मतलब यहाँ पे समझ, खोइछा भोर करके मतलब है कि खूब सारा तोड़ेंगे, बहुत सारा तोड़ेंगे, ऐसे सीधा अर्थ है आंचल भर करके। लेकिन इसका जो भाव है वो ये है कि बहुत सारे बेर तोड़ेंगे, बहुत सारे बेर तोड़ेंगे, मस्ती करेंगे। तो मेरे साथ कहाँ चलो, जंगल को चलो। और इसी के साथ ये जो गीत है दोस्तों वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मुझे यकीन है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस सेशन को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें। आप लोग प्यार दे रहे हैं इस कारण से मैं भी आप लोगों को बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार देता रहूंगा, चिंता नहीं करना। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से।